हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट 2022 टू 23 का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो सबसे पहली कॉम्पिटेंसी है रीडिंग। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को रीड करिए एंड देन क्वेश्चंस को आंसर करिए। वन डे वेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो मैं हैरान हो गया एक मैन के फुटप्रिंट, पैर के निशान को देखकर सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर। ये आपकी बुक का ही पैराग्राफ है, रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट से। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुकड अराउंड मी। हैरानी से मैं वहाँ पर खड़ा रहा, आसपास की आवाज़ों को मैंने सुना, फिर चारों तरफ देखा। आई कुड नीदर हेयर नॉर सी एनीथिंग। ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया, ना ही कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। फिर मैं थोड़ी हाइट पर गया, ऊंचाई पर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर, डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड। फिर अप एंड डाउन सी शोर पर मैं गया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इट वॉज नो गुड, मुझे कोई भी वहाँ पर नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। वहाँ पर सिर्फ वो एक ही फुटप्रिंट था और कोई दूसरा फुटप्रिंट मुझे नहीं मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स। फिर से मैं उस फुटप्रिंट के पास गया देखने के लिए कि वहाँ पर और भी फुटप्रिंट्स है या नहीं, एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, या फिर वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। ओके, पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज रॉबिन्सन गोइंग। रॉबिन्सन कहाँ पर जा रहा था? रॉबिन्सन वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज बोट। रॉबिन्सन was going towards his boat. Next is where did he look? उसने कहाँ देखा? So he looked around. उसने चारों तरफ देखा, around. Next is write the opposite of. Opposite लिखना है, up आपका opposite होगा down. Lost, found. Next is complete the sentence. आई कुड फाइंड नो अदर ब्लैंक बट दैट वन। मुझे कोई भी और ब्लैंक नहीं मिला, सिर्फ वो एक ही था। सो आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। ब्लैंक में आएगा फुटप्रिंट। नेक्स्ट इज राइट द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस लिखना है लिसन, लिसन्ड, ईडी आप ऐड कर देंगे, लुक, लुक्ड। लिसन एंड लुक्ड। ओके, नेक्स्ट प्रोस एंड पोएट्री आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट इज इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर होती है? सो आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। समर सीजन। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा किचन में क्यों गए आफ्टरनून में? सो द महाराजा वेंट इन टू द किचन। महाराजा किचन में गए डिशेज को सर्वे करने के लिए जो कि ग्रैंड डिनर के लिए बनाई जा रही थी। सो ही वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेज। आप इतना भी लिख सकते हैं आंसर, बस टू सर्वे द डिशेज, डिशेज को सर्वे करने के लिए, या फिर टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रैंड डिनर। ग्रैंड डिनर। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। ओल्ड बर्ड ने बाकी बर्ड्स को ये क्यों एडवाइस किया कि वो उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दें? क्योंकि अभी वो क्रीपर छोटी थी, इजीली डिस्ट्रॉय वो कर सकते थे, फिर वो बड़ी हो जाएगी, थिक एंड स्ट्रांग हो जाएगी और ट्री के ऊपर क्रीप अप करेगी, तो किसी हंटर के लिए या फिर किसी भी क्लाइंबर के लिए पॉसिबल हो सकता है उसकी हेल्प से ट्री को क्लाइंब करना। सो आप लिखेंगे द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर एज इट वुड बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड इट वुड बी पॉसिबल would be possible for a hunter या फिर for a climber
एवर फॉर एनी पर्सन. फॉर अ हंटर, हंटर क्योंकि उनके लिए हार्मफुल था, टू क्लाइंब द ट्री विद इट्स हेल्प. टू क्लाइंब द ट्री, बस टू क्लाइंब द ट्री. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट इज ग्रामर. फर्स्ट इज राइट द राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड लिखना है जॉय टॉय बॉल फॉल. जॉय टॉय या फिर बॉय बॉल फॉल टॉल. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म्स. फुल फॉर्म्स दैट्स दैट इज हैजंट हैज नॉट. नेक्स्ट राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है डू नॉट डोंट डोंट अपोस्ट्रॉफ आंटी. वी विल वील वी अपोस्ट्रॉफ डबल एल. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. हंटर ने लैडर सीढ़ी की हेल्प से ट्री को क्लाइंब किया था. फॉल्स स्टेटमेंट है, उसने जो क्रीपर थी उसकी हेल्प से किया था, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. नेक्स्ट इज द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. जो वाइज ओल्ड बर्ड था वो चाहता था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. ये ट्रू स्टेटमेंट है, हालांकि उन्होंने किया नहीं. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. इन टू और इन. द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट. वो जाल में फंस गई थी. द फ्रॉग्स जम्प्ड इन टू द वेल. क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, फ्रॉग्स जम्प कर रहे हैं वेल में. नेक्स्ट इज नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग. कौन कौन से टीम मेंबर्स आपको चाहिए होंगे. टू रन अ गुड स्कूल वी नीड. अगर एक स्कूल आपको रन करना है, सो प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उसके बाद स्वीपर साफ सफाई के लिए, गार्ड प्रोटेक्शन के लिए, एंड गार्डनर ब्यूटिफिकेशन के लिए स्कूल की, एंड पियोन एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोयम. फर्स्ट पोयम आइसक्रीम मैन से है ये. किनको डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं. साइड कार्ट जॉयफुल. जॉयफुल क्या थी, साइट. एंड लिटिल था कार्ट. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज ऐड आई एन जी विद द फॉलोइंग वर्ड्स. आई एन जी ऐड करना है, ट्राई प्लस आई एन जी. ये होगा ट्राइंग. एज इट इज ट्राई के पीछे आप आई एन जी लिख देंगे. ड्राइव प्लस आई एन जी. इसमें आप क्या करेंगे, ड्राइव आई एन जी, ई को आप रिमूव कर देंगे. जब भी कोई वर्ड ई से एंड हो और उसमें आई एन जी ऐड करना हो, ई को हटा के फिर आई एन जी आपको ऐड करना है. नेक्स्ट इज ऐड एल वाई विद द फॉलोइंग वर्ड्स. सैड प्लस एल वाई, एज इट इज सैडली हो जाएगा. हैप्पी प्लस एल वाई. अब जब कोई वर्ड वाई से एंड हो तो पहले वाई का बनता है आई, हैप्पीली, आई एल वाई. ओके, याद ही रखेंगे. इसमें दो अलग अलग टाइप से दिए, एक में डायरेक्ट ऐड हो रहा है, एक में कुछ चेंजेस आपको करने हैं. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड से ब्लैंक फिल करने हैं. ब्लैंक डू यू प्ले, तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं. वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो. वेन डू यू प्ले, कब खेलते हो. या फिर हाउ डू यू प्ले, कैसे खेलते हो. नेक्स्ट इज ब्लैंक इज योर बर्थडे. तुम्हारा बर्थडे कब है, सो वेन इज योर बर्थडे. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग. इसमें दो क्वेश्चन हैं, 5-5 मार्क के. राइट फाइव थिंग्स दैट यू डू वेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल. स्कूल से जब आप घर जाते हैं, कौन सी पांच चीज़ें आप करते हैं, वो आपको लिखने हैं. सो सबसे पहले, फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग. सबसे पहले तो स्कूल बैग रखते होंगे, स्कूल बैग. फिर यूनिफॉर्म चेंज करते हैं. देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट आई वॉश अप. देन कुछ खाना खाते होंगे, लंच करते हैं. देन या फिर नेक्स्ट आई हैव लंच. लंच के बाद अगर आप सोते हैं, सो देन आई स्लीप फॉर अ वाइल. फॉर अ वाइल या फिर अगर होमवर्क करते हैं अपना, देन आई डू माई होमवर्क. कोई भी पांच चीज़ें जो भी आप घर जाने के बाद करते हैं, स्कूल से घर जाने के बाद. नेक्स्ट राइट द रेसिपी ऑफ मेकिंग लेमनेड
इट्स इंग्रेडिएंट्स। लेमनेड आपको बनाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स आप बताएंगे और रेसिपी लिखेंगे किस तरीके से बनाना है। तो लेमनेड के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, वाटर आपको चाहिए, देन शुगर एंड लेमन जूस या फिर लेमन। रेसिपी, तो सबसे पहले तो पानी में चीनी डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाए। फर्स्ट प्लेस द शुगर अ पुट सॉरी पुट शुगर इनटू वाटर एंड स्टिर इट वेल। अच्छे से स्टिर करेंगे ताकि वो डिसॉल्व हो जाए, स्टिर इट वेल सो दैट इट डिसॉल्व्स कम्प्लीटली। देन लेमन से लेमन जूस निकालेंगे और उसको पुट करेंगे इस मिक्सचर में। जूस द लेमन या फिर लेमन्स, एक से ज़्यादा अगर आपने लिया है लेमन्स, एंड मिक्स इट वेल इनटू द मिक्सचर जो हमने शुगर और वाटर का मिक्सचर प्रिपेयर किया था उसमें इसको ऐड कर देंगे। बस यही है, देन पोर इट इनटू ग्लासेस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है स्पेलिंग्स, कंप्लीट द स्पेलिंग्स, कंप्लीट करनी है स्पेलिंग। टी ब्लैंक ई ए ब्लैंक ओ आर के, आपकी पोएम का नाम है टीम वर्क, टीम WORK। नेक्स्ट है सी एच ओ ब्लैंक ओ एल ब्लैंक टी चॉकलेट, COLATE। टी ओ ब्लैंक ई टी ब्लैंक ER टुगेदर। बी ब्लैंक एम ब्लैंक OO बैम्बू। W ब्लैंक N ब्लैंक ERFUL वंडरफुल। नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स, फील्ड FIELD, रिले RELAY, फुलिश सर्वे SURVEY, डिलीशियस डिलीशियस CIOUS। और सबसे लास्ट में है हैंड राइटिंग, इसमें ये जो पैराग्राफ है, ओनली अ हेल्दी मैन कैन बी हैप्पी, इफ द बॉडी इज हेल्दी देन द माइंड विल ऑल्सो बी हेल्दी एज इट इज़। आपको नीचे लिखना है, इसमें आपकी हैंड राइटिंग के मार्क्स होते हैं, ओनली अ हेल्दी मैन कैन बी हैप्पी, और आप लिखेंगे यहाँ तक इन वॉट वी डू डू कंप्लीट पैराग्राफ। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था फिफ्थ क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।